मान रहे हैं। अस अंकल क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब लोग जी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आप देख रहे होंगे मेरे साथ आई है उमे फवा ब्लॉग से, जो है आप देखते होंगे उमे फवा ब्लॉग, उसका लिंक मैंने आपके साथ शेयर किया था, तो आप उन्हें भी उनके चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें जी। अभी उन्होंने स्टार्ट किया है ताकि देखिए जी, उन्होंने भी स्टार्ट कर दिया है, ठीक है जी। इनका चैनल भी अच्छा जा रहा है माशाल्लाह, स्टार्ट है, आस्ते आस्ते सीखेगी, आस्ते आस्ते आगे पहुँचेगी, और इनका चैनल भी इंशाल्लाह ताला भी मोनेटाइज होगा जैसे मेरा हो गया। तो टफ मेहनत मांगती है हर चीज़। तो फिर आज वो आई थी, हम लोग दोनों बहने बस गपशप करते, ये मेरी सबसे छोटी वाली सिस्टर है, तो बहुत इन्जॉय करते हम लोग। और ये अक्सर मैं इन्हें बुला लेती हूँ, क्योंकि बड़े ही ये चीज़ें जो है बड़े मशवरे में, इनके मशवरे से हर चीज़ करती हूँ, क्योंकि हर जो काम मैंने करना होता है मैं अपनी छोटी सिस्टर से डिस्कस करती हूँ। इवन कि हम बाज़ार जाते हैं तो मुझे ज़रा इतना समझ भी नहीं आती पैसों की या किसी चीज़ की, तो यहाँ तक मैं इतनी सीखी हूँ कि मैं अपनी इससे सिस्टर्स कहती हूँ, तो वो हंसती रहती कि बाजी आपको क्या बनेगा, तो मैं नहीं कहती थी बाहर सुनो कितने बने हो कितने वापस, सारे मेरे ये हालत है, तो यही भी सारा वो करती है। मैंने इसी के वो किया होता, हम दोनों जब भी बाज़ार जाते हैं एक दूसरे के मशवरे से सब कुछ करते हैं। तो आज वो आई हुई थी, हम दोनों बस मैंने सोचा कि चलिए छोटा सा ब्लॉग आपके साथ शेयर करते हैं। तो ब्लॉग क्या था, बस जल्दी सी बातें हो रही थी, तो इन्होंने मुझसे आज यही कहा कि जब आप आई हो फरवा इनकी इस बेटी का नाम है ना, तो मैं इनको बस वो फरवा ही कह जाती हूँ। जाहिर बात है सबसे छोटी सिस्टर है, लाडली भी होती है सिस्टर, आपको पता है उसी तरह जैसे बच्चे होते हैं उसी तरह से मेरी लाडली भी है। तो मैं आज इनसे यही डिस्कस कर रही थी फारिया, तो अभी मेरे घर कोई आया तो मुझे कहते हैं कि आपने इतना वो बना के था, मैंने इनसे यही बात कर रखा, मैं सब कुछ बना लेती हूँ। इवन के मतलब पहले बहुत मतलब नहीं करती थी कुकिंग ये वो सब कुछ, बहुत से लोग मुझे देखते हैं सब्सक्राइब करते हैं ना चैनल, तो वो मुझसे पता क्या कहते हैं, वो मुझे कहते हैं कि आप वहाँ सुने आप मतलब ये शेफ है या आप मतलब आप यहाँ से खाना वगैरह ले आए, रेस्टोरेंट प्रैक्टिस होगी है, शादी के बाद गैदरिंग भी रही है मेरे घर में, और दूसरा ये कि हाँ ये भी, और दूसरा मैं ये भी समझती हूँ ना कि हम लोग को ये बेनिफिट बढ़ रहा है कि हमें अपनी वालदा की तरफ से जैसे माशाल्लाह अबू ने मतलब हर चीज़ हमें सहूलियत तो दी हमारे पेरेंट्स ने, तो काम वाली भी रखकर दिए और हमसे भी काम करवाया, तो हमें आदत हो गई, आदत हो गई, हम बड़ी बड़ी फैमिली का खाना बना लेती है, इतना इतना वो शादी से पहले ही सब कुछ आता था। तो माशाल्लाह ये कि अभी तक कोई वो कंप्लेन, अम्मी ये हंसती है कहती कोई कंप्लेन नहीं, अभी यकीन करो वो उनकी दादू भी गई है, बड़ा मज़ा इन्जॉय किया हमने सही में, हाँ बहुत इन्जॉय किया, बल्कि वो मुझे अपनी बेटी को मुझे कहती थी बार बार ना, कहती देखो वो कितनी सुबह की उठी हो, देखो ये करी हो, जबकि मैं पहले बड़ी पता ही कैसी होती लाटी, लेकिन ये तो था ना कि सबने बड़ी थी, सबने हर काम माशाल्लाह से हमें कोई मुश्किल नहीं पेश आई, मुश्किल किसी भी काम की आई है, हम हर काम कर लेते हैं। इतनी इतनी बड़ी, अब जो छोटी सिस्टर शाजी की बात करें, अब उसने कितना वो खाना बनाया था, 15-16 kg के उसने बना लेती, और भी गेस्ट आ जा रहे तो वो सारा वो कर लेती है। तो इसलिए मैं कहती हूँ चाहे इंसान लाडला हो चाहे बेटी है, जो भी लाडली किसी की भी, पैसा हो सब कुछ पैसा नहीं होता, देखिए अब कोरोना था ना तो क्या हुआ था, मेड को भी निकालना पड़ गया था, घर में तो किसी भी लेवल पर पहुँच जाए बिल्कुल करना पड़ता, वो मेरी बेटी हंस रही है, मैं अपनी बेटी से यही जिक्र करती रहती हूँ, मैं कहती हूँ बेटा पढ़ाई तो ठीक है, वो हर बात बच्चे में सब बच्चों को नहीं इतनी सबसे होती कि मेड वो लिखिए, मैंने उसको सब कम से बेटा बेशक आप मेड रखेंगे जो भी करेंगे हेल्पर होने के बावजूद आपको आना चाहिए। तो मैंने अल्लाह का शुक्र है, तो चार जो चीज़ें होती चिकन हो गई पास था, वो जो बच्चों को ये चीज़ें पढ़ाइयाँ भी टफ है ना, बिल्कुल जो चीज़ें मेन चीज़ें मैंने सिखा दी हूँ। मैं यही अपने यूएस से डिस्कस कर रही थी कि तुम कितनी लाडी थी, सबसे छोटी थी ना, तो तुमने तो किया ही ना कहीं, तो मैं तो चलो सबसे बड़ी थी, मैंने सब छोटे बहन भाई थे, मतलब बड़ी फैमिली थी माशाल्लाह, मेरे बर्डन ही नहीं था माशाल्लाह, मेरी सिस्टर थी, अम्मी मेरी खुद कर लेती, अब तुम बताओ जब भाई सास भाई अल्लाह जरा ने सिस्टर आपको किया, तो जब वो आई थी तो मैं वहीं बैठी तो कितनी वो कर जाएगी माशाल्लाह, तो मेरे ससुराल काफ़ी लंबा है माशाल्लाह, और सारे इकट्ठे आते हैं, तो मैं आराम से कर लेती हूँ, कोई मुश्किल नहीं आती, सब सीखा हुआ ना बेटा, तो फिर यही फायदे होते हैं, अम्मी ने इतना सिखाया हुआ था कि किसी चीज़ के लिए कोई मुश्किल नहीं, शुक्र बस यही पे आज हमारा टॉपिक भी यही था, मैंने सोचा कि बेटा ये तो हमें डिस्कस करा थी, मोस्टली जो ना बच्चियाँ कहती हैं पढ़ रही हैं, ये बाज़ वक्त मदद भी करती है और बाज़ तो बच्चे भी कहते हैं नहीं 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 प्लीज़ मामा आपने ये नहीं करना, बस आप कह दें बेशक कोई भी रिश्ता आएगा, हमें कुछ भी नहीं आता, मैंने कहा नहीं बेटा ये नहीं आता बच्चे को, फिर मैंने शुक्र अल्लाह का तो मशीन अभी इतना कुछ सीख लिया, मैंने इतना कुछ माशाल्लाह मतलब सिखा दिया, ये अलग बात है कि बहुत ज़्यादा मैं करवाती हूँ कि मैं डेली उसको डाल दूँ, टाइम ही नहीं है ना, पढ़ाई बहुत टफ है ना, यूनिवर्सिटी से बच्चे आते हैं तो स्टडीज उनकी जाहिर बात है 7 o'clock 8 o'clock हो जाते हैं, जाहिर बात है वो पीछे टाइम क्या रहता है बच्चे को थके रहते हैं, हमारी भी काफ़ी गैदरिंग रह गई जो मेरी 3-4 दिन साहब होते तबियत ठीक है, अच्छा पैसा कैसे आ गए काफ़ी सारे भी, मैं तो बिहान को भी नहीं बुलाया सीट पे ना किसी को भी, अपनी तबियत आना होगा आ जाऊंगी, लेकिन अब तबियत बहुत खराब रही थी 4 दिन से, मैं भी
डॉक्टर्स के पास आती जाती रही, नहीं मैं बुला सकी मतलब थोड़ा सा ये पेपर्स वगैरह होते हैं बच्चियों के, बस ये मैदे का जो है ना ये जो प्रॉब्लम तुम्हें आ रहा है तुम्हें बहुत ज़्यादा केयर करनी है अपनी भी, अगर थोड़ा सा देखा करो मम्मी ज़बरदस्ती नहीं करो। देखो मैंने कहा ना मैंने जैसे देखो ये बहन भाई आपस में ना मैं ये कहती हूँ बहन भाई का रिश्ता ऐसा होता है कि एक दूसरे को बुलाने की जरूरत नहीं होती। आप हमारे घर आए जी दावत है, हम लोग तो वैसे भी करीब करीब रहते हैं, तो मैं ये कहती हूँ कि जब भी टाइम मिले जिसको भी टाइम मिले एक दूसरे घर चले जाए, चाहे साल बाद मिला चाहे छः महीने बाद मिला चाहे दो महीने बाद चाहे एक दिन बाद दो दिन बाद जिस तरह जिसको टाइम मिलता है एक दूसरे घर चले जाए जी, ये गिले शिप रहो। मैं ये बहन है ना छोटी ये स्पेशली बुलाती है, मैं थोड़े से जाने में ना थोड़ी सी मैं ज़्यादा लेजी हूँ, मैं कब से अपने घर को भी कह रही हूँ बस ये लोग मुझे स्पेशल बुलाती हैं आते ही नहीं जब तक दावत ना करो इंशाल्लाह ताला, तो मैंने नहीं अब बर्डन नहीं बर्डन इसलिए कि मुझे पता है कि तबीयत ठीक नहीं होती, तो मैं बहुत ज़्यादा इस तरह की बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं। आज भी मैं ये सोची थी कि चलो ज़रा कहीं निकले बाहर या कुछ होता है तो चाहता है कभी कभी इंसान ईद के बाद बड़े थक से गए रमज़ान गुजरा ईद गुजरे तो इंशाल्लाह बाहर जाएंगे आउटिंग होगी और आपको के साथ ज़रूर शेयर करेंगे मज़े करेंगे इन्जॉय करेंगे। और मैं ये कहती हूँ बहन भाइयों को आपस में मिल जाना किसी जगह पर भी, बाहर पिकनिक पॉइंट नहीं होता घर में किसी छोटी सी जगह पर भी छोटे से घर में भी जहाँ बहन भाई मिल जाते हैं इतफाक से बड़ा मज़ा आता है बहुत इन्जॉय करते हैं, बस अल्लाह पाक सबको रज़े बस से बचाए। मैं अपने लिए भी दुआ करती हूँ माशाल्लाह से सब बहन भाइयों के लिए माशाल्लाह हमारी मतलब ईद पर बहुत गैदरिंग हो जाती है, मैं माशाल्लाह माशाल्लाह कहती हूँ सबको माशाल्लाह कहा करें क्योंकि नज़रें बहुत बड़ी बुरी चीज़ है जी, बहुत बुरी तरीके से नज़र लगती है और बहुत अपने एक दिल पर ख्याल रखना चाहिए कौन है बहन भाई को, बहुत इतफाक़ से बहुत जुड़ के रहना चाहिए, अपने आस पास नज़र रखनी चाहिए, सुनी सुनाई बात को बहन भाई में किसी में मैं वैसे आप लोगों से बात कर रही हूँ कि आगे से आगे नहीं बयान करें, एक दूसरे की बात को इग्नोर करें, बड़े अच्छे तरीके से ठंडे दिल से सोचें कि किसी ने क्या कहा है और आपको क्या आंसर देना चाहिए और ज़ुबान से क्या बात करनी चाहिए, क्योंकि ज़ुबान से एक बार जो बात निकल गई वो निकल गई। तो दिल ये चाहता है अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है कि दिल ये चाह रहा था कि भाई बहन फिर मेरे घर अभी इकट्ठे हो, लेकिन वही वाली बात है कि मेरी भी अब तबियत उस तरह से क्या टीका का पेन ऐसा है मेरा गर्मी होता है बारी बारी चले मैं कहती जो भी आ गया हम इन्जॉय कर लेते हैं, इस बार ये हुआ कि किसी को स्पेशली लेकिन जो आता गया मज़ा करते थे उनकी दादू वगैरह आई थी बहुत मज़ा आया और चार पाँच दिन हमारे घर रही बहुत मज़ा आया, बल्कि मुझे इतनी बेरोनकी लग रही थी उनको बैठ देखी मैं खा तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, बड़ा मज़ा आया वो तो इन्जॉय किया हमने उनके साथ मैंने वीडियो शेयर की हम लोगों ने घर में हमने इन्जॉय किया था बड़ा मज़ा आया था, तो इसी तरीके से इन्जॉय किया करें आप लोग तमाम लोगों से मेरी बस आप लोगों से ये कहना है तमाम बहन भाई जगह पर छोटी हो चाहे बड़ी हो चाहे कुछ भी हो आपस में कोई छोटी छोटी बातों पर रिलेशन के लिए हो तमाम बहन भाई इकट्ठा हो जाना चाहिए इस तरीका उससे वो ये सब बातें जो होती हैं माइनर इन बातों को लेकर तो आगे चलना ही नहीं चाहिए। मैं कहती हूँ बहन भाई में छोटी सी बात का ऐसा बाजू का मैंने बहुत सी फैमिलीज देखी है ना ये अपने गुजरे हुए या बुजुर्गों में या मतलब बहुत सी फैमिली अपनी फैमिली में देखा होगा बहुत सी फैमिलीज में भी ये बातें चलती हैं फलाने का वो फिर वो पूरी ज़िंदगी का चलता है, तो माशाल्लाह से माशाल्लाह अल्लाह ताला नज़े बस बचाए बहन भाई तो बहुत वाकई मैं ऐसे ही चाहती हूँ कि बस बहन भाइयों में ऐसा होना चाहिए, हमें तो मज़ा ही नहीं आता हमारे बहन भाई इकट्ठे ना हो किसी मौके पे बिल्कुल कहीं हमारी गैदरिंग ना हो तो हमें मज़ा ही नहीं आता किसी भी शादी में कोई इवेंट हो जब तक हम गए तो मैं तो ये कहती हूँ छोटी सी कोई बात हो जाए आपस में किसी से डिस्कस कर लो आपने कहा या ऐसे कर दें वो बात वहीं पर ख़त्म हो ऐसी बात नहीं होती छोटी मोटी बातें तो इन्जॉय करने का वक्त है देखें जी वैसे ही कोरोना की वैसे बीमारी है वैसे ही मसले मसाले इतने तो दुआ करते हैं अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को सब में इत्तेफाक डाले तमाम खानदानों में इत्तेफाक डाले तमाम बहन भाइयों में इत्तेफाक डाले और मेरे बहन भाइयों में माशाल्लाह से बहुत इत्तेफाक है और अल्लाह ताला नाइत्तेफाकी करने वालों को भी वही वाली बात है कह सकते हैं कि अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाया ठीक है जी हमारी नमाज़ें भी अल्लाह पाक कबूल फरमाए और हमारे रवैये जो हमें उन्हें भी ठीक करने की बस वो अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए क्योंकि रवैये बड़े काउंट होते हैं हमें एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे तरीके से रहना चाहिए ठीक है जी। बस छोटी सी बात थी हम सिस्टर्स बैठे थे डिस्कस कर रहे थे हम जब भी इकट्ठे होते ना हम अपने पुराने माजी की बातें याद करते हैं इनके अपने के घर की बातें याद करते हैं या फिर मस्तियों में होते हैं दूसरे कॉपी करते नकल करते हैं याद है तुम यूँ करते थे याद करते हैं तो हम इस तरह इन्जॉय करते हैं मैं बजाय बैग बाइकिंग या इस तरह वो उस टाइप की बातें सबको चाहिए छोड़ते हैं वक्त बहुत ही कम रह गया मैं तो समझती हूँ उम्र आगे गुजर गई तो इन्जॉय करें आप लोग भी इन्जॉय करें सब और एक दूसरे को भी इन्जॉय करने दें ठीक है जी। तो हमारी नमाज तो अल्लाह पाक गुजारी बातें वो तो अल्लाह पाक और हमारे दरमियान होते हैं ना तो जो हमारी आदत है जो हमारी खसलत है ये हमें अपनी बहुत चेंज करने की ज़रूरत होती है हमें बहुत ज़्यादा ये शैतानी काम ये सब जो होता है ना तो शैतान को कोशिश करें अपने दरमियान से कट ऑफ करने की कोशिश करें और इसी तरीके से कि आपको दम्बल हो जाए यानी कि मैं आपको दम्बल हो जाऊँगी तो शैतान खुद ही भाग जाएगा जारी बात होती है आपस में इत्तेफाक मोहब्बत आएगा मज़ा आता है तो अल्लाह पाक तमाम बहन भाई में इत्तेफाक मोहब्बत कायम करें जिन बेचारों में नहीं है
ज़ाहिर बात है उन्हें बहुत ज़्यादा फील होता है, फिर वो बेचारे किसी और ही कोशिश में लगे होते हैं। तो अल्लाह पाक में भी मैं यही कहती हूँ इत्तेफाक डाले और उनकी कोशिश जो इधर उधर भागने की वो घर में अपने टिक कर और आपस में अपनी बहन में से इत्तेफाक ही होनी चाहिए। ठीक है जी, तो दुआ कीजिएगा मेरे बहन भाई में, अल्लाह पाक सलामत रखे मेरे भाई को, मेरी बहनों को, तो माँ माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, मैं तो सबसे बड़ी हूँ ना, तो फिर मैं ये कहती हूँ मैं सबसे बड़ी हमेशा यही दुआ करती हूँ अल्लाह पाक बस मुझे जिस वक्त मेरी दुआ ना करे कभी मेरे बहन भाई में ना इत्तेफाकी आए, ना इत्तेफाकी है बस अल्लाह तो मुझे उठा ले, पता नहीं ये दुआ मैं क्यों मांगती हूँ, कभी कोई बहन भाई ना आऊँ तो बस नहीं चीज मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा होता है, तो मैं तो बहुत गिल्ट फील करती हूँ मेरी बहन भाई अल्लाह पाक सलामत रखे भाइयों को, बहन माशाल्लाह बहनों ये सब बहुत अच्छे हैं, सब बहुत इन्जॉय करते हैं, अल्लाह पाक तमाम इत्तेफाक मोहब्बत कायम करें। आज की वीडियो बस इतनी छोटी सी ये टॉपिक था, छोटी सी बात थी आपके साथ, मैं बस वो सिस्टर के साथ हम लोग दोनों डिस्कस कर रहे थे, हमने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करते हैं, तो इनके चैनल को ज़रूर आपने सब्सक्राइब करना, उम्मीद फरवा ब्लॉग के नाम से। ठीक है जी, लेकिन ये बड़े अच्छे अच्छे जी जो ईद के पॉजिटिव से अच्छा की वजह से इंशाल्लाह अपलोड नहीं कर सके हम लोग, काफ़ी सारी वीडियोज़ हम लोग हैं वो हम लोग रख लेते हैं लैपटॉप पर हमारी है, बट ये अपलोड करना इंशाल्लाह शुरू करिए, कुछ ऐप भी आ गया है, बात है गेस्ट आ रही होती है तो बहुत सी ऐसी चीज़ें भी होती हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट भी बताना है, और आप लोगों ने भी तमाम बहन भाइयों में इत्तेफाक की दुआ करनी है, तमाम मुसलमानों के लिए दुआ करनी है। ओके जी, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।